हेलो माय डियर स्टूडेंट मैं अश्विनी श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एसएससी में क्या होने वाले हैं काफ़ी हेल्प करने वाले हैं तो जब वो हेल्प करेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस को क्या करना है यहाँ पे कंसीडर करके चलना है कि जिससे कि आपके क्वेश्चन क्या हो आगे आपके एग्जाम निकालने में क्वालिफ़ाई करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करें तो मैं आपको बता दूं कि आप मेरा यूट्यूब पे चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा फ्री कोर्स कंप्लीट कराएंगे और वो कोर्स जो फ्री है आपका वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा सभी स्टूडेंट्स मतलब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इनमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं सिर्फ आपको रेगुलर क्लास लेना है और सभी को शेयर करना है ठीक है तो हम करवा रहे हैं आज थर्मो कंप्लीट करवा रहे हैं आज एक सेशन हम ले रहे हैं जो सेशन आपका थर्टी मिनट्स का है इसमें आपके थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अब तक एस एस में आए हुए तो सबसे पहले मैं अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन के बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम बाय वन अपॉइंट टू सेवेंटी थ्री ऑफ दियर ओरिजिनल वॉल्यूम एट जीरो डिग्री फॉर एवरी वन डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर वैन प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट तो अब आप एक तो बात समझ लीजिए कि जब भी हम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट की बात करते हैं ठीक है उसमें वॉल्यूम आपका क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है ठीक है क्या इन क्या होता है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या कहता है प्रेशर तो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है प्रेशर रिमेनिंग कॉन्सटेंट एंड वॉल्यूम गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज होगा वन अपॉन टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेंटीग्रेड ओरिजिनल वॉल्यूम से ठीक है तो जब होगा तो इंक्रीज डिक्रीज वॉल्यूम होगा तो इससे आपका क्या होगा चार्ल्स रो वैलिड होगा बॉय स्व तो में क्या होगा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट जूस सो में क्या होगा अगर हम जूस की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो जूस हैं तो जूस ने क्या कहता डेल क्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डेल डब्ल्यू होगा आपका तो ये जूस हो गया वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका प्रेशर कांस्टेंट तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर डीज है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है ठीक है क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन जो एफिशिएंसी होती है आपकी कार्नोट इंजन की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है तो एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो क्या होता है वन माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर तो जो आपका लोअर टेम्परेचर से हम क्या कहते हैं क्या कौन सा टेम्परेचर होता है यहाँ पर सिंक टेम्परेचर हायर टेम्परेचर क्या होता है सोर्स टेम्परेचर और जब भी कार्नोट एफिशिएंसी की बात करेंगे तो कार्नोट एफिशिएंसी हमेशा और हमेशा क्या होगी टेम्परेचर के टर्म में ही डिफाइन की जाती है ठीक है कभी भी आप इसको हीट के फॉर्म में वर्क के फॉर्म में किसी फॉर्म में ट्रांसफर नहीं बना सकते हैं इसका जब हम डेरीवेशन पूरा करते हैं डेरीवेशन निकालते हैं तो जो डेरीवेशन निकल के आता है वो क्या होता है एफिशियंसी का वो ये निकल के आता है वन माइनस टी सोर्स अपॉन टी सॉरी टी सिंक अपॉन टी सोर्स होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन इज राइट टेम्परेचर एंड सोर्स ऑफ सिंक के बारे में बताएगा ठीक है और किसी के बारे में वो नहीं बताएगा लेकिन उसी का हम रिवर्सिबल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका वर्क भी आएगा आपका हीट ट्रांसफर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन एफिशिएंसी की ठीक है तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलेंगे तब बताएंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ अब मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फोर में कहता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक डिफाइन एज जो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है उसको किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी बी एंड थेल्पी टेम्परेचर एंड प्रेशर के फॉर्म में तो अब आपको मालूम है कि अगर हम जीरो लॉ की बात करेंगे तो आपके पास क्या होंगी कोई आपके दो या तीन या चार बॉडी होंगी जिनका टेम्परेचर क्या होगा आपका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होने पे क्या होगा आपका एक थोड़े टाइम बाद हम देखेंगे कि सब में क्या में हो जा रहा है इक्लिबेरियम मेंटेन हो जा रहा है ठीक है क्या देखा हमने सब में क्या हो जा रहा है एक तरीके का इक्ल्यूबरियम आपका मेंटेन हो जा रहा है किसी टाइम टी के बाद ठीक है तो यही जब टेम्परेचर इक्लूबरियम मेंटेन हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है टेम्परेचर की वजह में और ये लॉ ही क्या कहलाता है आपका ज़ीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहलाता है तो इसका आंसर क्या हो गया सी इज़ ए करेक्ट आंसर ठीक है द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर अगर हम एफिशिएंसी की बात करें कार्नोट साइकिल में तो किसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी गैस इंजन की होगी रिवर्सिबल इंजन पेट्रोल इंजन या स्टीम इंजन की होगी जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं ठीक है चाहे वो गैस टर्बाइन की हो रिवर्सिबल पेट्रोल डीजल ट्यूल स्टीलिंग इलेक्ट्री साइकिल किसी भी साइकिल की निकालते हैं किसी भी साइकिल की तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मैक्सीम एफिशंसी होती है वो किसकी होती है आपकी रिवर्सिबल इंजन की किसकी होगी आपकी रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी क्यों होगी क्योंकि रिवर्सिबल जो होता है एज एक आइडियल कंडीशन हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करें कि कोई प्रोसेस अगर हम बात कर रहे हैं जिस पाथ को फॉलो करके जा रहा है उसी पाथ से क्या हो जाए वो रिटर्न हो रहा है मतलब जा भी इसी पाथ से रहा है और रिटर्न भी इसी पाथ से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका रिवर्सिबल ठीक है तो इसमें लॉसेस क्या हो जाएंगे होते ही नहीं है जब आप पाथ अपना चेंज ही नहीं कर रहे हैं तो उसमें लॉसेस नहीं हो रहे लॉसेस नहीं हो रहे तो क्या कर है मैक्सिमम एफिशिएंसी को आपको दे रहा है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा का? कार्नोट एफिशिएंसी मैक्सिमम किसके लिए होगी रिवर्सिबल इंजन के लिए होती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल इसमें से इरिवर्सिबल साइकिल कौन सी है तो अभी हमने बताया रिवर्सिबल साइकिल्स कौन सी होंगी आइडियल साइकिल्स लाइक like कार्नोट हो गई स्ट्रिलिंग हो गई इरिसन हो गई ठीक है स्टीम इंजन हो गया यानी कि रैंकाइन साइकिल हो गई आपकी ब्राइटन साइकिल हो गई सब कैसी आपकी रिवर्सिबल आइडियल साइकिल हैं आप कौन सी बची इनमें से कोई तो नन ऑफ दीज तो यानी कि जितनी आपकी प्रैक्टिकल साइकिल्स होती हैं जितनी आपने प्रैक्टिकल साइकिल्स अब तक देखी है जिस पे ये क्या हो रहा है जो डेली लाइफ में हम वर्क कर रहे हैं जो हमारी जैसे कार ड्राइव हो रही है स्कूटर ड्राइव हो रहा है तो इसमें जितनी भी हमारी प्रैक्टिकल साइकिल्स हैं वो सब क्या कहलाती हैं आपकी इरिवर्सिबल साइकिल्स कहलाती हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएंगे तो हो क्या आपका इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा रखा है ट्वेंट सॉरी सेवन नंबर क्वेश्चन दिखा रखा है सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ठीक है क्या कहता है कि आपको एन की फुल फॉर्म बताने की एन टी होता क्या है नॉम नॉमिनल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल थर्मोडाइनोस प्रैक्टिस तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो एन होता है इसका क्या फुल पॉम क्या होती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ठीक है तो आप कमेंट सेक्शन में करेंगे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं सबका जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर अब एट की तरफ मूव करते हैं मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फ्रॉम जो आपका मिक्सचर है किसका आइस और वाटर का जो फॉर्म मिलती है वो कौन से फॉर्म मिलेगी क्लोज सिस्टम है एक तरीके का ओपन सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम या इसे हेट्रोजीनियस सिस्टम कहेंगे ठीक है तो अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सब सिस्टम्स आपको मालूम चाहिए कि क्लोज सिस्टम क्या होता है ओपन सिस्टम क्या होगा आइसोलेटेड क्या होगा या आपका हैट्रोजीनियस सिस्टम क्या होगा तो अब आता है क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें से आपका क्या होगा एनर्जी बाउंड्री में इन होगी और क्या होगा जी आउट होगी लेकिन मास क्या होगा इसके अंदर ही रहेगा तो ये कैसा सिस्टम हो गया आपका क्लोज सिस्टम हो गया ठीक है अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी क्या होंगी दोनों इन होंगी और दोनों ही क्या हो जाएंगी आउट हो जाएंगी आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम जो क्या होगा आपका बाउंड्री से क्या रहेगा आपका आइसोलेटेड रहेगा क्या रहेगा आइसोलेटेड रहेगा ठीक है कैसा रहेगा आइसोलेटेड रहेगा अब नेक्स्ट बच्चे आपका हाइड्रोजिनियस हाइड्रोजीनियस कैसा होगा एक ऐसा आपका मिक्सचर या सब्सटेंस या सिस्टम जिसमें क्या होंगे कि दोनों फेजेस अलग अलग होंगी अब आइस की फेज कैसी है आपकी हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड फेज है ठीक है और आपका वाटर कैसा है लिक्विड फेज है दोनों फेजेस का जो कॉम्बिनेशन होगा ठीक है सराउंडिंग के साथ में मतलब एक सॉलिड सरफेस की सराउंडिंग हो गई एक लिक्विड सरफेस की सराउंडिंग हो गई दोनों कॉन्टैक्ट करके एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहे तो ये कैसा हो जाएगा हाइट्रोजीनियस सिस्टम हो जाएगा ठीक है हाइट्रोजीनियस क्या हो गया सिस्टम हो गया इसका राइट right आंसर क्या हो गया डी इज़ ए राइट आंसर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन के पास जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है वैन नाइदर मास नॉर एनर्जी इज अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज अभी बताया ऊपर ऐसा सिस्टम आपको बताना है जो मास को ही क्रॉस नहीं करे और ना ही बाउंड्री को सिंपल सा है सिस्टम क्या हो जाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा अभी बताया है? ओके सभी को समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया तो एक बार बस क्या करेंगे आप लोग लाइक जरूर प्रेस करेंगे और क्या कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है टेन बताता है टेन में क्या है केस ऑफ बॉयल्स लॉ इफ द प्रेशर इंक्रीज बाय वन परसेंट द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम इज़ ठीक है एक क्वेश्चन दे रखा है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका प्रेशर क्या होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो प्रेशर क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा बॉयस लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा अब हम इक्वेशन में पुट कर लेंगे पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू तो इससे जब हम रिलेशन निकालते हैं तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने वैल्यू रखा पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर आपका वन पॉइंट जीरो वन क्या हो गया आपका प्रेशर हो गया पी वन यानी कि पी टू की, की वैल्यू उसके बराबर हो गई इंटू वी टू हो गया जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पे वी वन और वी टू के बीच एक रिलेशन निकलेगा जब जो रिलेशन निकलेगा तो वो रिलेशन क्या आएगा वी टू इज इक्वल टू क्या हो गया आपका हंड्रेड अपॉन वन जीरो वन वी वन हो जाएगा ठीक है जब ये वैल्यू आ गई तब वो क्या पूछ रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है तो जब डिक्रीज़ इन वॉल्यूम पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया आप इसको प्लेस करेंगे तो वी वन माइनस क्या हो जाएगा आपका ये वाला वैल्यू आएगा जाएगा वी टू माइनस वी वन दोनों को प्लेस करेंगे आंसर निकल आएगा हंड्रेड अपॉन वन जीरो वन तो ऑप्शन कौन सा है इसमें बी ऑप्शन इज़ ए राइट ऑप्शन सभी को समझ में आ गया होगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पहली बात, इसका आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर सब ठीक है अब 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन क्या कहता था बॉयलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर मार्क्ड ऑन टेम्परेचर स्केल पी एस वन थर्टी डिग्री पी एंड माइनस ट्वेंटी डिग्री पी रेस्पेक्टिवली व्हाट विल द रीडिंग ऑन द स्केल क्रॉस्पॉन्डिंग टू सिक्सटी डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल तो ए ऑप्शन सिक्सटी डिग्री पी बी ऑप्शन सेवेंटी नाइन्टी एंड वन वन जीरो पी इसको मैं आपको बता दूंगी लेकिन एक बार आपको खुद करेंगे इसका ऑप्शन आप खुद बताएंगे आंसर मैं आपको दे रही हूँ चलिए आंसर आप ही देंगे मैं आंसर नहीं देती हूँ आपको आंसर एलेवन नंबर का ये आपके लिए आज होमवर्क है क्वेश्चन नंबर इलेवन को आपको आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पहली बार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे पहला आपको पता होना चाहिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी जो मास पे डिपेंड करती हैं ठीक है ठीके? किस पे डिपेंड करती हैं मास पे डिपेंड करती हैं उसे हम क्या कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं ठीक है ठीके? तो इंटेंसिव क्या होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है अब एंथेल्पी क्या है एक तरीके से आपकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिर्फ एंथेल्पी ही बचती है जो क्या होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट बाकी प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी ये सब कैसी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं चलिए यहाँ पे एक छोटी सी कंसेप्ट हम आपको देना चाहते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ को हम एक्सिस पे प्रेजेंट कर लें एक्स और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट कर लेते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक प्रेशर टेम्परेचर ठीक है आपके ये सब क्या हो होगा तो आगे बात यहाँ तक सभी को समझ में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन करते हैं थर्टीन क्या देखा था प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर टेम्परेचर डेंसिटी इन थर्मोल डायनामिक कोऑर्डिनेट आर पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन साइक्लिक फंक्शन एंड रियल फंक्शन ठीक है तो प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या है किसी भी एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ आपकी क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी चीज़ को बताती हैं मतलब उसके बिना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो वो पूछ रहा है प्रॉपर्टीज़ लाइक क्या हो गया आपको प्रेशर पूछ रहा है यहाँ पर टेम्परेचर कह रहा है एंड डेंसिटी थर्मोड कोऑर्डिनेट आर जब ये सब कॉर्डिनेट होती हैं तो सब क्या बनाती है पॉइंट फंक्शन होता है तो आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट फंक्शन होगा ठीक है पाथ फंक्शन क्या होता है इनडेफिनेट क्या होता है इसका इंटीग्रल होता है साइकिल फंक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे ना रियल फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पॉइंट और पाथ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हो प्रेशर टेम्परेचर तो ये सब कैसी होती है आपकी पॉइंट फंक्शन होती हैं और पॉइंट फंक्शन होने के साथ क्या होती हैं ये एक्सिस पे रिप्रेजेंटेटिव होती है ठीक है तो राइट right आंसर क्या हो गया यहाँ पे बी इज राइट एंड करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ मूव करते हैं कहता है वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिविन अ पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन ए ऑप्शन द एंड ऑफ स्टेट ऑनली बी पर्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस सी ऑप्शन द वैल्यू इन इंडेक्स एंड डी ऑप्शन द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर ठीक है तो जब भी हम वर्क डन इन एडियाबेटिक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एडियाबैटिक में पी वन बी वन माइनस पी टू वी टू अपॉन क्या हो जाएगा गामा माइनस वन होता है ठीक है तो ये किस पे डिपेंड करेगा आपका पर्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस पे ही क्या करेगा डिपेंड करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली बी एंड ऑफ स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा ना ही एन की वैल्यू पे ना हीट ट्रांसफर का तो कोई मतलब ही नहीं है तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है बिटवीन पेयर स्टेट फॉर किस पे पर्टिकुलर एडियाबेटिक प्रोसेस पे डिपेंड करेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है क्या कहता है क्वेश्चन में विच ऑफ द विच ऑफ द ट्रू रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अब आपको इसमें से ट्रू फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बताना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा कौन सी कंडीशन बेस्ट कंडीशन आपकी होती है ठीक है जो बेस्ट कंडीशन पूछा है तो टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट होगा एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होगी एंथेलपी कॉन्स्टेंट होगी या हीट ट्रांसफर टेक प्लेस क्या होगा आपका सेम होगा तो फिफ्टीन में बाद हम आपको समझा दें और यहाँ बता दें ठीक है कि जो ट्रू कंडीशन होती है पॉलीट्रॉपिक के लिए रिवर्सिवल पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक मतलब क्या हो गया आपका एडियाबेटिक हो गया ठीक है अगर हम का एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता एंट्रोपी भी कांस्टेंट नहीं होगी एंथ्रोपी भी कांस्टेंट नहीं होगी तो क्या होता है हीट ट्रांसफर टेक प्लेस क्या होगा आपका सम कुछ जगह आपका हीट ट्रांसफर क्या हो सकता है आपका सेम रहेगा ठीक है तो सेम है यहाँ पर रिवर्सेबल पॉलीट्रॉपिक के लिए ट्रू होता है सॉरी सम नहीं है यहाँ सेम है यहाँ पर लिख लेंगे एस ए एम ई सेम सेम हीट ट्रांसफर टेक प्लेस तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो क्या होगा जब भी रिवर्सिबल होगा सब जगह क्या होगा आपका सेम टू सेम होगा ठीक है वो आपका क्या होगा चेंजमेंट उसमें नहीं होंगे ओके चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की तरफ आते हैं चेंज इन एंथैल्पी इन क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफ़र इफ़ रिवर्सिबल प्रोसेस टेक प्लेस एट अ कॉन्स्टेंट ये एक अच्छा क्वेश्चन है जब भी हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं किसमें इन्हें क्लोज सिस्टम के बारे में बात करें कि सिस्टम आपका कैसा है कोई क्लोज सिस्टम है ठीक है क्या जब आपका क्लोज सिस्टम है एक सेकेंड जब भी हम क्लोज सिस्टम के बारे में बात करें इसका आंसर ही हो गया तो क्लोज सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये आप जानिए कि, कि किस तरीके से हम रिएक्ट करेंगे चेंज इन एंथेलपी की बात कर रहा है क्लोज सिस्टम में बात कर रहा है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं डी डेल क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू जब क्लोज सिस्टम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका पी डी वी हो जाएगा क्या हो जाएगा पी डी वी तो डी यू का तो डी यू रहा ये क्या हो जाएगा वर्कडन पी डी वी हो तो जाएगा क्योंकि हम वर्कडन क्या होता है पी इन वी होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे आपका प्रेशर क्या है कॉन्स्टेंट है रिवल प्रोसेस आपका प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्सटेंट है यहाँ प्लेस टेक प्लेस प्रेशर यहाँ प्रेशर करिएगा यहाँ पे प्रेशर है ये यहाँ पे ये यह वर्ड है प्रेशर प्रेशर इज़ कॉन्स्टेंट जब प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा तो ये आपका डन क्या हो जाएगा यहाँ पर बाहर ये हो गया आपका यू डेल आप क्या करेंगे कॉमन लेंगे यहां पर यहां लिख देते हैं एक तो आपने क्या करा यू आपने कॉमन ले लिया तो जैसे ही आपने यू यहाँ पर कॉमन लिया तो यू आपका क्या हो जाएगा डेल यू प्लस क्या हो गया यहाँ पे आपका यहाँ जाएगा आपका क्या चीज आएगी पी वी ठीक है और जैसे पी वी आई ये क्या हो जाएगी यू प्लस पी वी क्या हो जाता है एनथेल्पी जब एनथेल्पी हो जाता है तो इसका आंसर क्या right हो जाएगा आपका राइट आंसर पी वी आने की क्या हो गया आपका बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रेशर प्रेशर इस क्या हो जाएगा कांस्टेंट तो क्या चीज़ कांस्टेंट है आपकी प्रेशर कांस्टेंट होता है क्लोज सिस्टम में तो हीट ट्रांसफर क्या होता है रिवर्सिबल होता है इक्वल किसके होता है हीट ट्रांसफर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू प्लेस एट कांस्टेंट तो क्या होगा प्रेशर आपका क्या होगा कॉन्स्टेंट रखा जाएगा एक ये अच्छा क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो उस पर फोकस थोड़ा ढंग से करें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हीट एंड वर्क आर जब भी हम हीट एंड वर्क की बात करते हैं हीट और वर्क हमेशा याद रखेंगे पता भी रखेंगे ऑल इस क्या होते हैं पाथ फंक्शन होते हैं क्या होते हैं हमेशा पाथ फंक्शन होते हैं क्योंकि ये कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल इनका मिलता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे आपके पाथ फंक्शन होते हैं अब आता है क्वेश्चन नंबर एटीन द वर्क डन इज एक्सप्रेशन ऑफ गैस वॉल्यूम वी वन टू वी टू अंडर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर पी इज इक्वल टू एटीन नंबर का क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे क्या निकालना है इसका वर्क डन बताना है तो वर्क डन क्या होता है आपको मालूम है वर्कडन इजग्र सो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी होता है जब पी डी वी होगा तो आपको रखना है वी टू माइनस वी वन प्लेस करना है इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन के साथ में जब आपने प्लेस किया तो क्या हो गया वर्कडन आ जाएगा आपका प्रेशर कांस्टेंट दोनों वैल्यूम को रखेंगे तो आ जाएगा आपका वी टू माइनस वी वन इसे आंसर वो कौन सा आंसर सही हो गया बी से करेक्ट आंसर हो गया आपका ठीक है चलिए बहुत बढ़िया देखते जा रहे हैं आप लोग तो, मुझे भी अच्छा लगता है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की तरफ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्या कहता है नाइन्टीन में कहता है विच ऑफ द विच आर द फॉलोइंग एंटिटीज़ नॉट एंड टेम थर्मोडाइनोमस प्रॉपर्टीज़ इसमें से कौन सी एंटिटीज जो है वो थर्मोडाइनोमिस प्रॉपर्टी नहीं है टेम्परेचर स्पेसिफिक वॉल्यूम हीट एंड वर्क तो अभी हमने बताया था कि जब भी वो पूछेगा कि थर्मोडाइन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रेशर टेम्परेचर तो होंगे आपके और क्या होगा आपका वॉल्यूम भी आपका क्या होगा एक प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आप कौन बचा जिसे रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं वो आंसर क्या हो गया आपका हीट हो गया तो अभी मैंने बताया कि जितनी भी एक्सेस पर रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़ होती है थर्मोडाइनम्स की ठीक है और जो रिप्रेजेंट नहीं होगा वो नहीं होंगी तो आंसर क्या बचा हीट बचा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या था ऑफ द फॉलोइंग पाथ फंक्शन क्वालिटी इज सिंपल सी बात है तो क्या होगा अभी ऊपर ही था तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ट्वेंटी का आंसर बी हो जाएगा वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन तो यहाँ पे वर्क ही तो बचा देखो क्वेश्चंस वही रहते हैं लेकिन एग्जाम्स में वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछ रहा है तुमसे बार बार तो इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना है कंसेप्ट लेना है जिससे कि वो क्वेश्चन घुमा के कहीं से भी पूछे सी जे में तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपको मार्क्स गेन करने ही हैं ठीक है चलिए अब ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्या रखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस दैट इंटरनल एनर्जी एंड एनथेल्पी ऑफ फंक्शन इज टेम्परेचर ओनली एनी गैस सेचूरेटेड स्टीम वाटर एंड कौन सा है परफेक्ट गैस तो ट्वेंटी फोर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा परफेक्ट गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है ये याद रखेंगे परफेक्ट गैस के लिए एक टर्म यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्या परफेक्ट गैस जब भी हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं तो आप याद रखेंगे कि यू जो होता है इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ क्या होगा आपका टेम्परेचर होता है ठीक है यू इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा ठीक है और एंथेल्पी भी क्या होगा फंक्शन ऑफ क्या होगा टेम्परेचर होगा यानी कि अगर हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं तो उसमें दोनों ही टेम्परेचर चाहे इंटरनल एनर्जी हो एंथेल्पी हो दोनों ही किसके फंक्शन होंगे आपके टेम्परेचर के फंक्शन होंगे तो ये आंसर क्या होगा आपका परफेक्ट गैस इज अ राइट आंसर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन ठीक है अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ टेम्परेचर फर्निश द रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है जो आपको फर्स्ट होता है किसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है तो सभी लोग जानते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्यों एक रिलेशन क्या बनता है आपका क्यूजिकल्स टू यू प्लस डब्ल्यू तो आंसर क्या हो गया बी इस करेक्ट आंसर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर ठीक है ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है वर्क इन वर्क डन इन द फ्री एक्सपेंशन तो वर्क डन फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है आपका जीरो होता है क्योंकि जब वकडन हम फ्री एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हमें नहीं मालूम कि इनिशियल से आपका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा कितनी मिक्सिंग होगी तो उस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है डन आपका जीरो हो जाता है डन जो होता है एक्सपेंशन ज़ीरो होता है गैस मूव करती है अगेंस्ट अ वैक्यूम तो जब वैक्यूम के अगेंस्ट जब वर्क हो रहा है तो आप वहाँ पे वर्क बता ही नहीं दे रहे कि वॉल्यूम में क्या चेंज आ रहा है एक चैंबर वैक्यूम है एक में थोड़े में गैस है आपने क्या हुआ कि आपने कोई वॉल रिमूव करा दी तो वो वैक्यूम में जाएगा तो उसको क्या वर्क करना पड़ रहा है गैस को नहीं तो जितना वॉल्यूम इनिशियल में था वही उसका फाइनल में तो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम के अगर सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्सपेंशन में वर्क डन जीरो हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन में ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द थाटलिंग च थर्मोडाइम प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज जब भी थ्रॉडलिंग प्रोसेस होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी आपकी चेंज नहीं करती है सिंपल सी बात है थ्रॉडलिंग प्रोसेस आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या होता है तो थ्रॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है कि इसमें क्या होता है ये पहली बात ये किसी स्टीम की प्रॉपर्टी होती है ठीक है और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होती है एंथेल्पी हमेशा कॉन्सटेंट रहती है ठीक है तो क्या चीज़ आपकी हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी तो अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट आपकी क्या रहती है एनथेल्पी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है जो चेंज नहीं करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी टू इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मो डायनि प्रॉपर्टी रिमेन कॉन्स्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी इसमें हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस फॉलोइंग थर्मो डायनेमिक्स रिमेन कॉन्सटेंट सिंपल से तो क्या कॉन्स्टेंट है एंथेल्पी देखो दो नंबर क्वेश्चन पूछे हैं के लिए घुमा के पूछे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन घुमाएगा किस तरीके से करेगा मालूम होना चाहिए ठीक है तो कन्सेप्ट को ढंग से पढ़ें क्वेश्चंस पे फोकस करें क्वेश्चन सिर्फ घुमा के पूछा जाता है एग्जाम्स में आंसर वही होते हैं अलग नहीं होते सिर्फ स्टूडेंट को घुमाया जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री फोर अ क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंथ्रोपी एनथेल्पी एंड इंटरनल एनर्जी और क्या हो गया आपका एंथेल्पी तो आपको ट्वेंटी थ्री में आंसर बताना है ट्वेंटी थ्री का आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर सी जब भी हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है आपका सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है ट्रांसफ़र होती है लेकिन मास उसमें स्टोर रहता है जब आपको मास स्टोर रहेगा तो वो कुछ एनर्जी को स्टोर करेगा और वो जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में हो रही है इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आपकी स्टोर होती है तो उसे ही क्या कहते हैं हम टर्नल एनर्जी बताएंगे ठीक है अब लास्ट टू क्वेश्चंस आज का सेशन यहाँ पे बहुत छोटा लिया है थर्टी मिनट्स का आपका सेशन है और आपको सेशन नेक्स्ट मिस नहीं करना है इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है थीके? हमारे चैनल को चलिए ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन दे रखा है फॉर अ क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडिड एडिड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू एंड थेल्पी इंटर एप्स फंक्शन एंड फ्लो वर्क अभी बताया मैंने आपको कि ये किसका होगा आंसर इसका जब भी हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी ही इसका क्या होगा राइट आंसर देखो दो बार क्वेश्चन पूछा है कंसेप्ट क्या है सिर्फ लैंग्वेज को, को, को चेंज किया है उसने कंसेप्ट थोड़ा सा क्या किया वही की वही है सिर्फ लैंग्वेज को रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया है चलिए अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन विच एप्स डज नॉट पर तो आई अटेंड टू अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस वर्कडाउन जीरो होगा नहीं होगा या पूछ रहा है प्रेशर रिमेन कांस्टेंट नहीं होगा नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम नो गेन और लॉस द एनर्जी तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो हमारा फ्री एक्सपेंशन होता है होता क्या है तो वाली बात फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा वर्कडाउन होगा हो, ज़ीरो ठीक है दूसरा कहता है फाइनल टेम्परेचर क्या होगा इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर होगा दैट इज़ नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ़ द सिस्टम आपका पास वैक्यूम है तो जो सिस्टम के अंदर आपका एयर है या कोई भी आपका सब्सटेंस है तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ही नहीं क्योंकि उसे किसी के अगेंस्ट वर्क करना ही नहीं पड़ रहा है ठीक है थर्ड कहता है नो गेन और लॉस द हीट तो क्या हो गया गे? नो गेन और लॉस द हीट तो कौन सा ऑप्शन है प्रेशर रिमेन कॉस्टर तो यहाँ पे एक अच्छी बात चल रही जब भी आपका फ्री एक्सपेंशन होता है तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा ठीक है प्रेशर क्या करेगा आपका वेडी करेगा ठीक है तो आज हम लोग अपना सेशन यही कंप्लीट कर रहे हैं तो आप सब ने मुझे देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच और आप लोग क्या करेंगे इसके बाद में ही सब लोग जाके तुरंत जैसी क्लास ओवर हो रहा है उसके बाद क्या करना है आपको सबको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा ठीक है करने के लिए और आप लोग टेलीग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं अश्विनी क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट इलेवन पर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आपको सभी नोट्स अवेलेबल होंगे पीडीएफ की फॉर्म में जहाँ से आप निकाल सकते हैं और वहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं ठीक है ओके